रंगजी बगीचे में आयोजित हो रही रामलीला के 10वें दिन रविवार को असत्य पर सत्य की विजय का उत्सव मनाया गया। दर्शकों से खचाखच भरे मैदान में राम रावण युद्ध का रोमांचकारी मंचन के बाद रावण के पुतले का दहन किया गया। इस दौरान पूरा मैदान सियापति रामचंद्र के जयकारों से गूंज उठा। रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित रामलीला महोत्सव में रविवार को भगवान राम का अपनी वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई के प्रसंग के बाद मैदान में युद्ध की दुदुम्भी बजने लगी तो कलाकारों के साथ मौजूद दर्शकों की नसों में भी रोमांच दौड़ने लगा। भगवान राम और लंकाधिपति रावण की सेनाओं के बीच युद्ध जीतने की जोर अजमाइश का दर्शकों ने भरपूर लुफ्त उठाया। लगभग आधा घंटे तक वीर रस से सराबोर संवाद के बाद भगवान राम ने जैसे ही अपना धनुष की प्रत्यंचा खींचकर तीर चलाया, जय श्री राम का गगनभेदी उद्घोष होने लगा। इधर नाभि कुंड में बाण लगते ही रावण मृत्यु की ओर चला। उधर रावण का विशालकाय पुतले का दहन किया गया, जिसकी आतिशबाजी से दर्शकों में रोमांचित भर गया। रावण दहन का कार्यक्रम था वो लगभग 10 बजे के आसपास प्रस्तावित था, लेकिन जो श्रद्धालुगण और रामलीला रंग देखने वाले लोग थे वो कहाँ 7 बजे से ही आना शुरू हो गए। जैसा अनुमानित था कि लगभग 10-12 हज़ार की भीड़ होगी, उसको देखते हुए हमने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से भी पोस्ट की मांग की और हमारे सर्कल के तीनों SHO और यहाँ की लोकल पोस्ट के माध्यम से हम लोगों ने पुलिस का बंदोबस्त किया था, जिसके चलते यहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम सफल संपन्न हुआ। आप सभी के सहयोग से और रामलीला कमेटी के सहयोग से यहाँ कोई भी किसी भी तरह की कोई अपनी घटना नहीं और सभी लोग बड़े अच्छे से हर्षोल्लास से रावण दहन का कार्यक्रम सफल कराकर वापस जा रहे हैं। रामलीला कमेटी द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है, रामलीला महोत्सव जो आयोजित किया जाता है, उसमें आज का मुख्य आकर्षण रावण दहन रावण वध एवं रावण वध एवं रावण के पुतले का दहन किया गया है एवं आतिशबाजी की गई है। पूरा वृंदावन आज इस रंगनाथ बगीचे के प्रांगण में मौजूद है और इस तरह का माहौल है जैसे बुराई पे अच्छाई की पे जो जीत होती है, पूरा वृंदावन हर्षोल्लास मना रखा है, प्रभु श्री राम के जय जयकार कर रखा है। इन सभी व्यवस्थाओं में हमें अपने सहयोगियों का, कमेटी के सभी पदाधिकारियों का, मीडिया कर्मियों का और विशेष तौर पर प्रशासन का, पुलिस विभाग का, नगर निगम का, फायर ब्रिगेड का, सभी विभागों का और सभी ब्रजवासियों का जो सहयोग प्राप्त होते हैं कमेटी के ओर से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे द्वारा जो मेहनत लगातार की जाती है और जो आप द्वारा इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाता है तो हमें लगता है कि हमें एक नई ऊर्जा मिलती है और हमारे जो थकान है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाती है। जो पिछली बार देखा गया था उस बार वृंदावन वासियों का रुख एकदम रामलीला की तरफ निश्चित तौर पर जो वृंदावन की रामलीला थी चुनावी रामलीला थी। पिछली बार जब हमने इस आयोजन को किया था कुछ लोगों तो उसको पॉजिटिव दे रहे थे, पर कुछ लोगों के मन में भी यही शंका थी कि ये भी चुनावी रामलीला ना हो, पर जब इस बार हमने दोबारा आयोजन किया तो सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर पिछली बार से दोबारा देखना हमको सहयोग प्रदान किया और हर चीज़ में हमको सहयोग प्रदान किया और आगे सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया है। अगर वृंदावन वासियों का सहयोग हमें इस प्रकार मिलता रहा तो निश्चित तौर पर जो ये वृंदावन की रामलीला है निश्चित तौर पर आगरा मंडल की अग्रणी रामलीलाओं में साबित होगी और भगवान श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया उसके साथ साथ जन प्रभु राम के द्वारा भी संदेश यहाँ से प्रसारित होंगे और सभी को इसका लाभ मिलेगा। हमारी जो सबसे बड़ी उपलब्धि इस बात को मानता हूँ कि रामलीला का जो मंचन हो रहा है उसको देखने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं। निश्चित तौर पर जब वो इस तरह की लीलाओं को मंचन के माध्यम से देखेंगे उनके चरित्र में इस चीज़ का आत्मसात करेंगे और उनका चरित्र निश्चित तौर पर चरित्रवान बनने की ओर अग्रसर होगा।